Assalamualaikum. Again, hello. हम इस वक्त खानसपुर में मौजूद हैं मरी में. मरी की बहुत खूबसूरत जगह है, इसे कहते हैं खानसपुर. और ये मेरे साथ मौजूद हैं जमुर, मेरे बहुत ही प्यारे खूबसूरत भाई, मेहनती एक स्काउट लीडर हैं. और इस वक्त मेरे ख्याल से हम दोनों ही सीनियर स्काउट्स रह गए हैं बच्चे, लेकिन अब मरी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये खानसपुर हमारे सर को बहुत अच्छी लगती है जगह. पर्सनली हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन सर को ज़्यादा अच्छी लगती है. हम अभी जाने वाले हैं, और क्यों, आज जुमे का दिन है तो जुमा पढ़ने जा रहे हैं. थोड़ी सी हाइकिंग है. और अभी हम आपको दिखाते हैं हम जिस लोकेशन में हैं. तो ये जो ये आप गेस्ट हाउस देख रहे हैं ये सारे, ये देखें एच ई सी. एच ई सी के यहाँ पे एच ई सी के कोर्सेज होते हैं. जब देखें गेस्ट आते हैं तो स्टे इनका जी, और एच ई सी के जो भी जितने भी ऑफिशियल आते हैं उनका स्टे इधर होता है. और आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है. ये बादल आए हुए हैं और उम्मीद है कि बारिश होगी. और हमने ज़्यादा जो है जैकेट्स नहीं ली, ना ही हमारे पास अम्ब्रेला है. तो जैकेट मेरे पास तो है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है हमें काफ़ी ज़्यादा. तो हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्राउंड है पहाड़ के ऊपर और बिल्कुल प्लेन है. तो वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा सकता है, जो जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स को मिलेगा ऑब्वियसली. जी बिल्कुल. तो और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे लिए? और कुछ यही है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. ट्रैवलिंग करने में सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आता है जी. आई थिंक कोई नहीं होगा जिसको ट्रैवलिंग में मज़ा ना आता हो. बिल्कुल. इसीलिए हम ट्रैवलॉग बनाने का मकसद यही है कि अगर हम कोई चीज़ विजिट करते हैं तो उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको भी हो जाए जी. और तो बारिश आ रही है, हम थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, आप देख सकते हैं. और मैं और जमुर तो भी वेट कर रहे हैं कि कब निकलें यहाँ से. खानसपुर है तो खूबसूरत, और हम इंजॉय भी कर रहे हैं. शौक मंद है क्योंकि जुमे का दिन है. और बारिश का मंज़र, ये खानसपुर में अभी बारिश आ गई है और हम लोग स्टक हो गए हैं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं. एक मिनट, जस्ट मिनट. तो इस वक्त हम भुट्टो पॉइंट में मौजूद हैं, जो कि भुट्टो का घर हुआ करता था. तो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या क्या जगह है, उसको ज़रा आपको इलाबोरेट करते हैं इस पूरी जगह को. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भुट्टो साहब का जो ड्राइंग रूम था, ठीक है. ये जो ये भुट्टो साहब का ड्राइंग रूम था, और ये टी वी लाउंज था, और उसके अलावा वहाँ उसका गैराज था. ये उनका रूम था भुट्टो साहब का, और ये अटैच बाथरूम है उनका, ठीक है. आप देख सकते हैं अभी भी उसी तरीके से ढूंढा है ये. और खानसपुर की ये सबसे एक अहम जगह है, और हम बड़े लकी हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं. आपने वो नहीं बताया कि वो कैंटीन थी, वो बंदा छोड़ के भाग गया वहीं पे. नहीं, वो असल में मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, लेकिन उन्होंने कैंटीन भी जी. अब वो देखिए, उसके अंदर रैपर्स भी पड़े हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. ये देखिए, आप रैपर पड़े हुए हैं. तो जो है ये कैंटीन था, भुट्टो साहब का खाता था इनके साथ, लेकिन भुट्टो साहब ने खाता नहीं दिया तो वो जो है ना कंगाल हो गया. ये लाखों की कैंटीन जैसी ज्यादा जी. और अच्छा अच्छा, जरूर चाहेंगे आप जम्मू आए मेरे साथ. बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ. जब भुट्टो साहब ने, पहले इधर कोई नहीं रहता था, जब भुट्टो साहब ने जगह खरीदी तो बहुत से लोगों ने इधर जगह खरीदी, लेकिन अनलकी भुट्टो साहब जगह इधर घर नहीं बना सकते, ठीक है जी. बिल्कुल. अभी देखें, काफ़ी सारे घर हैं यहाँ पे, मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए. आप देखें ये देखें आप, ये ऑरेंज कलर में है. और यहाँ पे आप से देख सकते हैं और भी घर हैं यहाँ पे, ये देखें. बाकी ये हमारे दोस्त हैं, ये आज ये पिक्चर्स बना रहे हैं यहाँ पे. तो ये है खानसपुर की एक दूसरी साइड, इधर हम अभी आए हैं हाइक करते हुए. ये इधर आप दिखाएंगे अभी, ये देखें जमुर्द. आज वैसे होस्ट जमुर्द कर रहे हैं व्लॉग को. हाँ, ये देखें आप, जब जा रही हैं देख रहे हैं, इसकी बैक साइड पे एक ग्राउंड है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे. तो देखें, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्लीज़ इस पर? इस बारे में अभी नीचे एक रेस्टोरेंट भी है, उस पर हमने जाना है. तो खानसपुर के बहुत से लोग अभी नहीं जानते, अगर मरी में जो